आज हम लोग SSC GT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 13 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक और उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है, एक 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से पी वर्षों में 16,000 रुपये हो जाता है, तो पी का मान क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कुछ भी राशि अगर बढ़ करके कितना हो रहा है तो मिश्रधन होगा। तो ये देखिए 16,000 रुपया हो जाता है, जब भी लिखा रहे सेंटेंस में बढ़ करके हो रहा है या फिर हो रहा है या फिर हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मिश्रधन है। तो 10,000 से 16,000 हो गया तो कितना बढ़ा, 6,000 रुपया बढ़ा। तो बढ़ेगा क्या, इंटरेस्ट ही ना देगा। तो 10,000 से 16,000 हुआ, 6,000 बढ़ा, तो 6,000 कितना लगाए थे आप, तो आप लगाए थे 10,000, 10,000 को नीचे लिखना है, टोटल 10,000 में से 6,000 बढ़ा, ये बन गया भिन्न। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये निकल के आ जाएगा टोटल रेट। तो देखिए 4 गो 0 और इधर 3 गो और इधर 1 गो, 4 गो 0, 6 गुना 10 कितना हो जाएगा, 60। तो 60 क्या, प्रतिशत, हम लोग प्रतिशत में निकाल लें, लेकिन हम लोग को निकालना है वर्ष, टाइम निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया 15% की वार्षिक दर, तो वार्षिक दर मतलब क्या, एक साल का। तो एक साल का रेट अगर 15% है, 15% एक साल में हो रहा है, तो 60% होने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 साल लगेगा, 15 चौके 60। डायरेक्टली इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है, 15 चौके 60, तो 4 वर्ष लग जाएगा। ये था इसका ट्रिक और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से है, तो ये चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर लीजिएगा। तो देखिए 10,000 रुपया है, तो ये क्या है, अपने पास पैसा जो रहता है वो मूलधन होता है, तो मूलधन 10,000 हो गया, कि राशि साधारण ब्याज पर 15% की दर से, तो रेट क्या गया, तो 15% है, कि दर से पी वर्षों में, टाइम क्या है, तो पी वर्ष दिया गया है, 16,000 रुपया हो जाता है। तो जब भी हो जाता है बोलेगा तो क्या होगा, मिश्रधन होगा, तो ये 16,000 मिश्रधन हो गया, इतना ही दिया गया है। तो पी का मान क्या है, मतलब पी क्या है, तो वर्ष है, ठीक है, तो मतलब हमको टाइम निकालने बोला गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए दिया गया है, तो हम लोग को पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, एक याद रखिएगा, ए माइनस पी होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी। तो ए का वैल्यू 16,000 है और पी का वैल्यू 10,000 है, क्लियर है, तो इसे इसको माइनस कर दीजिए तो 6,000 निकल के आ जाएगा। तो 6,000 क्या निकला, इंटरेस्ट। अब हम लोग को पता है इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 6,000 हुआ, लिख देना है। पी कितना है, पी मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना है, तो 10,000 है। रेट कितना है, तो रेट 15% है और टाइम हम लोग पी वर्ष माने हैं, जिसका वैल्यू पूछा गया है, डिवाइड बाय 100। अब देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 6,000, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये भी डिवाइड में चल जाएगा, इज इक्वल टू पी। अब इसको सॉल्व करिए तो 2 0 2 0 कट जाएगा, 15 कट पहाड़ा में 4 बार में, तो पी इज इक्वल टू 4, तो 4 वर्ष, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसमें दिया गया है एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12 और 17 के अनुपात में है। इसमें दिया गया सफ़ेद और पीली गेंद है, 12 और 17 के रेशियो में दिया गया है, तो एक्स लगा देंगे हम लोग, क्लियर है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है, मतलब दोनों को मिला के कुल हो जाएगा टोटल 116 गो है, तो पीली गेंद कितना है, तो पीली गेंद कितना है, 17x, तो 17x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं, तो देखिए 12 और 17 को ऐड करेंगे तो 29x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 116। अब x इज इक्वल टू 116 और 29 डिवाइड हो जाएगा, तो 29 का पहाड़ा में 4 बार में आ जाएगा 116, तो x का वैल्यू हम लोग को निकल गया 4, और हम लोग को पूछा गया पीला गेंद, तो पीला गेंद कितना है, 17x, तो पीला कितना है, 17x, तो 17 × x का वैल्यू 4 है, तो 4, तो 17 चौके 68, ठीक है, तो 68 को आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें दिया गया एक चार्ट दिया गया है, क्लियर है, इसमें 7 देश है, P1 P2 ये सब क्या है, देश है, और आयात का कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दिया गया है, और ये जो आयात है, ठीक है, आयात मतलब कोई भी चीज़ हम लोग जो खरीदते हैं वो आयात होता है, तो ये आयात का परसेंट के रूप में दिया गया है। यदि देश का कुल आयात इतना है तो आइटम 6 का आयात कितना है, तो आइटम 6 मतलब क्या, ये वाला, ठीक है, आइटम P6 का आयात कितना है, परसेंट 21% है, तो टोटल इतना है, तो इतना का हमको क्या करना है, 21% निकाल देना है, P6 का बोला गया, तो P6 21 है, तो इतना का 21% निकाल दीजिए आंसर,
तो 3 में के गो जीरो है, तो 3 में 6 गो 0 है, 2 2 4 और 2 गो 6 गो, और इसको 21% निकालना है, तो 21/100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 21 3 63 और 1 2 3 4 0 डायरेक्टली आंसर आएगा। क्लियर है? तो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इसमें दिया गया है एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, जब भी ऐसा दिया जाए, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक है तो मशीन को इतना रुपया में लाभ पर बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या है? जब भी देखिए, छूट देने के बाद भी इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ऐसे लिखना ही है। तो सेकंड में सॉल्व होगा, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, तो अंकित मूल्य ये है और क्रय मूल्य ये है, तो क्रय मूल्य मान लेते 100 और इससे ये क्या है 70% अधिक है, तो 170 हो जाएगा। यदि मशीन को इतना रुपया के लाभ पर बेचा गया, तो इतना में खरीदे हैं और इतना के लाभ मतलब क्या, 144.5 में हम लोग बेचेंगे, 100 में खरीदे हैं। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, खरीदे हैं, और 44% का लाभ मतलब क्या, 144.5 हो जाएगा। तो कितना छूट होगा? तो याद रखना है, छूट हमेशा अंकित मूल्य से दिया जाता है। क्लियर है? और छूट दे के बेचेंगे, तो छूट दे रहे हैं अंकित मूल्य पे और बेच रहे हैं, तो कितना छूट मिला, 170 से 144.25 हुआ, तो कितना डिस्काउंट हुआ, इससे इसको माइनस करिए, तो इसके जब माइनस करेंगे हम लोग तो आएगा 22.5। क्लियर है? इससे इसको माइनस करेंगे 25.5 आएगा। क्लियर? तो 25.5 का हम लोग डिस्काउंट दिए, कितना से दिए, 170 में से दिए, इसमें से हम लोग डिस्काउंट दिए। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे तो 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 17 का पहाड़ा में ये कट जाएगा 15 बार में। क्लियर? इसको कैलकुलेट करिएगा, तो 15% का हम लोग डिस्काउंट दिए, ये हम लोग का आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तथा इतना हानि पर बेचा गया, 22% का हानि पर बेचा गया, तो कुल हानि कितना है, तो हानि कितना होगा, पैसा में पूछा गया है और परसेंट में दिया गया है, तो 1126 है, इसका 22% हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि 22% हानि हुआ है, तो क्या करेंगे, इसे इसको बस मल्टीप्लाई करिए, बहुत कोई क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करने लगेगा, काटने लगेगा, तो काटेंगे तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होगा 24772 और डिवाइड बाय 100, तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 247.72 हो जाएगा, 2 गो 0 है तो 2 को गिन के पॉइंट दे देना है, तो ये हम लोग का हानि हो जाएगा। क्लियर है? इतना आंसर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ये परसेंटेज चैप्टर से है, और इससे पहले का जो क्वेश्चन, मतलब 64 नंबर क्वेश्चन और 63 क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस से था, और ये क्वेश्चन परसेंटेज से है, तो हम चैप्टर का नाम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग उस चैप्टर को क्लियर कर सकें। क्लियर है? तो दिया गया है एक संख्या को 40% बढ़ाया गया तो +40 लिख देंगे, फिर 25% घटाया जाता है तो -25, जब भी घटाएगा माइनस, बढ़ाएगा प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई साइड में कैलकुलेट कर लेंगे, 40 × 25 और डिवाइड बाय 100, ठीक है, इतना माइंड में रखना है, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड 100 करना है, तो इसको कैलकुलेट करिए, 25 का पहाड़ा में 4 बार में 100, 4 का पहाड़ा में ये 10 बार में, तो 10 आया तो 10 यहाँ पे लिख देना है। अब इसको कैलकुलेट करिए तो 40 हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस रहने दीजिए, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो -25 और -10 -35 हो जाएगा, अब इसे इसको घटाएंगे तो +5 आएगा, और हम साइन के साथ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका क्लियर हो सके, या +5 का मतलब क्या, 5% का वृद्धि हुआ, यहीं पे अगर -5 आता तो 5% का कमी होता। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 5% वृद्धि। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको सीखना है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको हम लोग एक एक स्टेप अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो स्टेप कैसे बाउंस करना है उसको सीखना है, तो पहले क्वेश्चन को उतार लेना है एक बार, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको सॉल्व करना है, तो याद रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का एक छोटा छोटा सा ट्रिक याद रखना है, और वो क्या है, बोडमास। क्लियर है? तो बोडमास मतलब क्या, बी से ब्रेकेट, पहले ब्रेकेट का काम होता है। क्लियर? तो पहले ब्रेकेट ये है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहीं पर कर लेंगे ना, कि ये सब उतारेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 × 12, तो 4 का पहाड़ा में 3 बार में 12, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस 3 का टेबल में 4 बार में 4 = 4, अब 9 और 4 13/12 हो जाएगा ये, तो इसको पूरा को काट के यहीं पे लिख दीजिएगा 13/12। देखिए इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो
सेकेंड्स लगेगा सॉल्व करने में, बार बार हम लोग को उतारना नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। अब करेंगे का काम, ठीक है। बी ओ होता है बोर्ड मास में, बी के बाद ओ होता है, तो ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन नहीं देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो कितना होगा वन, तो वन यहाँ पे रहने देते हैं। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है, डिवाइड का काम होता है। तो डिवाइड देखिए ये दोनों को बीच में है, तो इससे इसको डिवाइड करिए, तो फाइव का टेबल में वन बार में फाइव और फाइव का टेबल में फोर बार में ट्वेंटी, तो दो को देख रहे हैं इसलिए को जीरो दिए, तो ये वाला कैलकुलेशन कर लिए, इसको भी काट दीजिए, 104 हो गया। तो एक थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इतना फिर माइनस है तो माइनस, 104 है तो 104, फिर माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। अब देखिए इसको करेंगे कैलकुलेशन, 680 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 104 और 105 हो जाएगा। अब इससे इसको घटा दीजिए तो 575 होगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन को शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कोई क्या करता है, इसी सब को बार बार उतारता है और करता है, जिससे आपका टाइम लॉस होता है। तो ऐसे ना करके वहीं पे काट दीजिए, तो आपका टाइम थोड़ा सा सेव होगा। तो आज के लिए वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे का कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।